हेलो ऑल। तो आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px। अगर किसी पॉलिनोमियल हमारा px है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर मानी जाती है, उसकी हाईएस्ट पावर जो मानी जाती है, हम उसको क्या कहते हैं, डिग्री। जैसे कि मेरा अगर पॉलिनोमियल है px = 4x + 2, तो इसमें x की हाईएस्ट, x की पावर क्या है, x इसमें सिर्फ एक जगह आ रहा है, और इसमें x की जो वैल्यू, x एक सिंगल है, x स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल x है। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर जो है वो x^1, मतलब डिग्री हमारी 1 है। ऐसे अगर मेरा पॉलिनोमियल है py जो 2y² - 3y + 4, इसमें जो y है वो दो जगह आ रहा है, पर जो हाईएस्ट पावर जो जा रही है y की, वो जा रही है स्क्वायर में, मतलब 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2। ऐसे ही अगर मेरा pz है 4y² - 6y³ + 3y² + 2, तो इसमें जो डिग्री, मेरी हाईएस्ट डिग्री है वाई की, वो है 4। तो इसलिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या माना जाएगा, 4। साहब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। जैसे कि एग्जाम्पल 4x + 2, इसमें डिग्री क्या है, 1। √3 × x + 5, इसमें x की डिग्री, x की पावर क्या है, 1। ऐसे ही y + √2। इन सभी पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल में जो मेरी डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 1, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड पे आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा y² - 2, 2 - x² + √3x, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, हाईएस्ट जो डिग्री, हाईएस्ट पावर जो जा रही है वो 2 जा रही है। ऐसे एग्जाम्पल 4z² + 1/7, इसमें जेड एक ही जगह आ रहा है और उसकी हाईएस्ट जो पावर है वही पावर होगी, तो 2। इसलिए ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मेरी जो डिग्री है वो 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। जैसे कि y³ - 2y² + 3, और 2 - y³ + 9y, इन सब में जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो है 3। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं, 4z³ - 1/3z, इस सब में हाईएस्ट पावर ऑफ जो z है वो है 3। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है हाईएस्ट पावर। सो थैंक यू, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।